अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे आलू के पकौड़े, जिसके लिए यहाँ पर हमने 200 ग्राम बेसन लिया है और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 टीस्पून चावल का आटा और 1 टीस्पून अजवाइन ले लिया है। इसी के साथ यहाँ पर 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज़ के आलू को इस तरह से स्लाइसर की मदद से कट कर लिया है और इसे पानी में डिप कर रख लिया है। यहाँ पर हम बेसन को एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और हम इसमें अजवाइन और सभी पाउडर मसाले और पिसे हुए चावल ऐड कर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड कर इसका पेस्ट बना लेंगे। इसे हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर सबसे लास्ट में हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से हमारे आलू के स्लाइसेस पर कोट हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया था। अब हम इसमें 1/1 सभी पकौड़ों को ऐड कर मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। 4 से 5 सेकेंड के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और बचे हुए पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे सर्व कर लेंगे।